अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम ज़ीशान रज़ा है और आप ज़ीशान रज़ा ऑफिशियल देख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वीडियोस देखने के लिए कीमती वक्त जो है वो निकालते हैं। नाज़रीन, शेखुपुरा में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है, जहाँ पर एक मुलज़िम ने रात को करीब 3 बजे के करीब 8 अफराद को बेदर्दी के साथ जो है वो स्नेक कत्ल किया। ये वाकया कैसे पेश आया और मुख्तलिफ वाकयात में इसने 8 अफराद को इंतहाई बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के वार करके कैसे कत्ल किया, मुलजिम जो है इस वक्त गिरफ्तार है, मुलजिम की शनाख्त भी कर ली गई, मुलजिम का नाम फैज है और पुलिस का क्या कहना है इस मुलजिम के बारे में, तो आगे चल के जो है वो आपको बताएंगे। दूसरी खबर जो है वो आज की ये है कि एक ख्वाजा सरा के हवाले से खबर है, ख्वाजा सरा एहलकार की भर्ती पर ख्वातीन एहलकार का ट्रेनिंग सेंटर में जो रहने से उन्होंने इनकार कर दिया है। लाहौर में पंजाब पुलिस में ख्वातीन एहलकारों के साथ ट्रेनिंग करने वाला जो करने वाला ख्वाजा सरा जो है वो निकला, जिस पर ख्वातीन एहलकारों ने सेंटर में रहने से इनकार कर दिया है। और तीसरी जो आज की अहम खबर है वो ये है कि ख्वातीन के लिए एक अच्छी खबर ये है कि ख्वातीन के लिए बस सर्विस जो है उसे चलाने का आगाज जो है वो अनकरीब जो है वो कर दिया जाएगा, उसका ऐलान कर दिया गया है। तो आज की जो अहम खबरें उनकी जानब बढ़ेंगे और आज की सबसे अहम खबर जो है वो ये है कि शेखुपुरा में कत्ल की लज्जाखेज वारदात जो है वो सामने आई, जहां पर 8 अफराद को मुख्तलिफ वाकयात में जो है वो कत्ल किया गया है। एक ही मुलजिम मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचा, मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचा और सोए हुए 8 अफराद जो है उनको बेदर्दी के साथ जो है वो कुल्हाड़ियों के वार करके इस सफाक मुलजिम ने जो है वो कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिम जो है फैज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का यह कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिम जो है वो जहनी माजूर है। इस पर वज़ीरे आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है उन्होंने भी इस वाकये पर नोटिस लिया है और पुलिस ने भी जो है वो फौरी तौर पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वज़ीरे आला पंजाब जो है उनकी जानिब से इस वाकये की रिपोर्ट भी जो है वो तलब कर रखी है, जबकि मुलजिम जो है उससे तफ्तीश की जा रही है। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक जो है पुलिस हुकाम का ये कहना है कि ये जो मुलजिम है वो जहनी माजूर है। अब सवाल ये है कि अगर वो जहनी माजूर था तो उसके जो घर वाले हैं, अहले खाना हैं, उन्होंने उस जो जहनी शख्स को बजाय अस्पताल दाखिल करवाने के उसे खुला छोड़ रखा था कि उसने 8 अफराद को कत्ल किया। और ये कत्ल कैसे किया आपको बताते हैं कि ये शख्स इसने कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल किया और मुख्तलिफ जगहों पर जाके, ये वो मकाम थे, वो जगह थी जहां पर लोग सोए हुए थे। अब अक्सर आपको पता है कि गाँव में देहातों में लोग अपने मवेशियों की जो है वो देखभाल के लिए सो जाते हैं, बाहर अपने मवेशियों के करीब सोते हैं ताकि कोई शख्स चोरी ना कर ले, कोई चोर ना उसे मवेशियों को चुरा के ना ले जाए। तो उन सोए हुए लोगों को इसने मुख्तलिफ जगह पर जाकर बेदर्दी के साथ कुल्हाड़ियों के वार करके जो है वो कत्ल किया। इस वाकये पर जो है जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट फौरी तौर पर तलब की गई और मुलजिम भी जो है वो गिरफ्तार हो गया है। मजीद जो आने वाले कुछ घंटों में मजीद जो हकायक हैं वो भी सामने आएंगे। अब दूसरी जो खबर है उसकी जानिब बढ़ते हैं। जो हाँ, ख्वाजा सरा एहलकार की भर्ती पर ख्वातीन एहलकारों की जानिब से जो है वो ट्रेनिंग सेंटर में ना रहने से जो है वो इनकार कर दिया। वो कैसे तो आपको बताते हैं। पंजाब पुलिस में ख्वातीन एहलकारों के साथ ट्रेनिंग करने वाला ख्वाजा सरा निकला, जिस पर ख्वातीन एहलकार जो है उन्होंने सेंटर में रहने से इनकार कर दिया है। सुपरिंटेंडेंट ट्रेनिंग कॉलेज ने एडिशनल आईजी ट्रेनिंग को मुरासला लिख दिया है, जिसमें बताया गया है कि रहीम यार खान से भर्ती एक कांस्टेबल ख्वाजा सरा है, जिसकी वजह से जेर तरबियत ख्वातीन एहलकार ख्वाजा सरा कांस्टेबल के साथ रहने को तैयार नहीं है। एसपी ट्रेनिंग ने मुरासले में कहा है कि मामले की नोयत के मुताबिक इकदाम जो हैं वो किए जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा जो खबर है वो ये है कि जो अच्छी खबर ये है कि ख्वातीन को आमदोरफ्त में काफ़ी परेशानी का सामना होता था। ख्वातीन के लिए बस सर्विस जो है उसका आगाज़ किया जा रहा है और ये पाकिस्तान में पहली बार फ्री बस सर्विस होगी जो शुरू होने जा रही है। बड़ी अच्छी खबर है, पाकिस्तान में तारीख में पहली बार जो है वो ख्वातीन अब फ्री बस सर्विस जो है उससे मुस्तफीद हो सकेंगी। चीफ सेक्रेटरी जो है वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया गया है कि पिंक बस सर्विस रोड पर आ गई हैं, हमारी माएँ बहनें और बेटियां इन बसों में बाहिफाजत सफ़र करके अपनी मंजिल को पहुँच सकती हैं। यकीन करें ये बहुत बड़ा इकदाम है, इस पर मैं अलग से भी व्लॉग इंशाल्लाह करूँगा, क्योंकि ये देखें ऐसे इकदाम की ज़रूरत है।
ताकि जो ख्वातीन को खासतौर पे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स और दफातर में काम काज के लिए सुबह जब जाना होता है तो काफ़ी उन्हें मुश्किल का सामना होता है। और ये समाजी रबते की साइट ट्विटर पर उन्होंने जो है वीडियो के साथ जारी बयान में बताया है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने ख्वातीन के लिए फ्री पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। और इस इफ्तिताह में यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो है ख्वातीन पहली बार फ्री बस सर्विस से जो है मुस्तफीद होंगी और इसके जरिए गिलगित और स्कर्दू शहर में सफर जो है वो कर सकती हैं। इस मंसूबे को मजीद जो है वसअत दी जाएगी। यकीनन ये बहुत बड़ा एकदम है। और हमारे मुल्क में देखें, मैं एक बात करता होता हूँ कि मसाइल हर कहीं होते हैं, इश्यूज हर कहीं होते हैं। हमने देखना ये कि जो अच्छा हो रहा है वो भी दिखाएं, उस पर भी हम बात करें। बहुत कुछ अच्छा हो रहा होता है। जो देखें मुल्क में हुकूमत की जानिब से बड़े अच्छे अच्छे जो प्रोजेक्ट है उसका भी आगाज किया जाता है। तो हमारा काम है मीडिया का कि जो अच्छा हो रहा है वो भी दिखाएं और कहीं अगर कुछ मसाइल हैं तो उन पर भी बात करें। तो नाज़िर आज के व्लॉग के हवाले से अपनी राय का इजहार जो है वो लाजमी कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट न्यूज़ आपको मौसूल हो सके। फिल वक्त के लिए मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज़।